हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अमित आर्या। आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल चैनल यूट्यूब डे में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कि अगर आपके चेहरे पे फ़ोटो खींचते समय अगर डिंपल आ जाता है दोस्तों, ठीक है, या फिर आपके चेहरे पे, मैंने जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा खुद का फ़ोटो है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मान लीजिए ये डिंपल नहीं है, लेकिन मैंने डिंपल जैसे बनाया हुआ है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं और आपको मैं बता सकूं कि इसको आपको अपने डिंपल को कैसे हटाना है। जैसे कि आपके चेहरे पे कहीं कहीं जगह जगह पे काले रंग का डिंपल रह जाता है या फिर दाग रह जाते हैं, तो उसको कैसे हटाना है दोस्तों, इस वीडियो में सारी बातें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे आप अपने डिंपल या फिर काले या भूरे रंग के धब्बे रहते हैं उसको कैसे हटाना है फ़ोटो एडिटिंग करते समय दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोटो में भी थोड़ा सा भी डिंपल ना रहे या फिर काले या फिर कोई भी तरह के धब्बे ना रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए आप लोग के लिए मैं वीडियो लाता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। तो देखिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नहीं तो वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग से हट जाता है ये बात सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा डिंपल वाला फ़ोटो है दोस्तों, ठीक ना, जिसमें चेहरे पे दागे हैं, और ये एक मेरा जो पूरा सही वाला फ़ोटो है दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये मेरा दूसरा फ़ोटो है जो चेहरे पे थोड़ा सा भी दाग धब्बे नहीं है दोस्तों। मैं आपके सामने ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा भी दाग धब्बे नहीं है और चेहरा भी साफ है और लाइटिंग भी है। आप जूम करके कितना भी जूम करिएगा फटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आपको अपने चेहरे से दाग धब्बे कैसे हटाना है दोस्तों, देखिए ये थोड़ा सा नाक पे ना यहाँ पे रह गया है दोस्तों, ठीक है, तो ये मेरी गलती है, लेकिन और जगह पर आप देख लीजिए एकदम चेहरा साफ है। तो आप इस तरीके से कैसे अपने फ़ोटो को भी एडिटिंग कर पाएंगे, वो भी बहुत ही क्लीन, अभी वो भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा तो आप भी बोलोगे हाँ यार कुछ तो है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करना है। तो ये मैं अपना दूसरा फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, कोई भी फ़ोटो एडिटिंग करने से पहले, सफाई करने से पहले चेहरे का, आपको देखिए कीबोर्ड में आपको जाना है, आपको कंट्रोल यम दाबना है, ठीक है। कंट्रोल यम दाबने के बाद अपने चेहरे को हल्का सा सफ़ेद या फिर जो भी करना है आप सफाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है इमेज में, इमेज में आने के बाद एडजस्टमेंट में आना है, उसके बाद नीचे आने के बाद सेलेक्ट कलर में। इससे ये होता है दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपके बाल काले हैं लेकिन थोड़ा सा भूरे आ गया है तो ब्लैक नहीं है, तो आप यहाँ पे ब्लैक ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको कलर को मेंटेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये एडजस्ट हो रहा है। तो ये सब एडजस्ट करने के लिए मैं आपको नहीं बताना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ इसलिए, क्योंकि देखिए अगर आप चेहरे के दाग धब्बे अगर आप साफ़ करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी रहता है दोस्तों कलर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से कोई भी कलर, अगर मान लीजिए मेरे शर्ट पे नीले रंग का है तो मेरा नीला शर्ट थोड़ा मतलब पुराना टाइप का अगर दिख रहा है तो यहाँ से आप इसको गढ़ा कर सकते हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया सा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। ओके, फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो उसको कैसे हटाना है, तो आप अपने चेहरे को यहाँ से थोड़ा जूम कर लेंगे, ठीक है। और जूम करने के बाद आपको देखिए कौन से की आपको यूज करना है, आपको इस लेंथ में, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए इस लेंथ में इधर, ठीक है, ये जो पेंसिल वाला आपको आइकन दिखा रहा है पेन जैसा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे नीचे लिखा है पेन टूल, ठीक है, PATCH, मैं स्पेलिंग बता दे रहा हूँ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम है PATCH TOOL, तो इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो ये ऐसे आइकन आ जाता है दोस्तों बन के। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करेंगे और जूम करेंगे जहाँ पे दाग धब्बे हैं तो उसको आपको इस वाले ऑप्शन से जो पेन टूल है इस पर आपको घेराबंदी करेंगे, इसको घेरेंगे, ठीक है, तो जहाँ है वहीं पे घेरेंगे दोस्तों, ठीक है।
देखिए मैं आपको दिखा, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मेरे इस पे, तो इसको क्या करेंगे ऐसे घुमाएंगे और थोड़ा सा आप यहीं पे रख देंगे, थोड़ा सा इसको हटा के, देखिए गायब हो गया दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि दूसरे जगह, आपको थोड़ा सा भी यहीं पे मेंटेन करके रखना है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये कोई बहुत ही आसान तरीका है लेकिन सबको पता रहता है, लेकिन ये मान लीजिए तकनीकी ये जो रहता है ये इधर उधर रहता है तो किसी को पता जल्दी नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये काम नहीं कर रहा है, यानी ये एडजस्ट जहाँ रहे होने वाला रहेगा तो वहीं पर एडजस्ट होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये एडजस्ट हो गया, देखिए कितना अच्छा ये काम कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने ये वीडियो अच्छा बनाया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए ये वीडियो आप लोग के लिए कैसा लगा दोस्तों। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा मैं वीडियो लाता रहता हूँ। जो भी आप कमेंट करोगे, जिसका आपका चॉइस रहेगा वो आप कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा दोस्तों। ठीक है, ओके, ये देखिए ऊपर वाले हिस्से पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब थोड़ा मैं फटाफट इसको हटा हटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे दोस्तों। और थोड़ा देखिए पास में ही इसको आपको रखेंगे कि थोड़ा आपके चेहरे का कलर इधर उधर ना हटे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए दाग तो हट जाएंगे, बट ये रहता है कि आपके चेहरे का जो ज़्यादा दाग वाले रहते हैं ना, जहाँ से आप हटाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से इधर उधर हटाएंगे कि ताकि दाग धब्बे हटाने के बाद आपके चेहरे पे थोड़ा सा भी समझ में ना आए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप अपने चेहरे के दाग धब्बे हटा सकते हैं। तो लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और अपने भाई का चैनल है तो अपने भाई का भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर जिन भाई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस इतना ही आज के वीडियो में। अब इसको मैं आपको थोड़ा क्लियरिटी आपको यहाँ से दिखा देता हूँ दोस्तों। ओके, देखिए चेहरे पर दाग धब्बे हट गए हैं, तो इस तरीके से हटा के और थोड़ा सा यहाँ से आप मेंटेन कर देंगे तो चेहरे के दाग धब्बे अच्छी तरह से हट जाएंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।